ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार, आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यवर्त में आपका स्वागत है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था बृहस्पति के लिए, तो बृहस्पति जो बहुत बड़ा ग्रह है, सुख शांति का ग्रह है, माइंड का ग्रह है, घर गृहस्थी का ग्रह है, मैरिज लाइफ का ग्रह है, और जो भी ग्रह हैं सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, और देव ग्रह है ये। देव ग्रह का मतलब है कि देव ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह होता है मन की शांति के लिए, सतबुद्धि के लिए, और इसको गुरु भी मानते हैं। गुरु मानना अपने के लिए अच्छा, जो गुरु हैं वो उनकी पूजा करना जरूरी है। जैसे कि बृहस्पति भी मार्केस बनाता है, ये नवग्रह मार्केस सारे ही बनाते हैं। नवग्रहों का मार्केस मैं आगे आगे बताऊंगा। बृहस्पति का मार्केस जो है, जैसे कि वृश्चिक लग्न हो तो दूसरे घर में धनु राशि हो तब मार्केस बनता है। दूसरा घर और चौथा घर और सातवां घर और अष्टम घर, ये मार्केस होते हैं। बृहस्पति का मार्केस बिजनेस को डाउन कर देता है, हड्डियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, और डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। बृहस्पति वैसे मार्केस जान नहीं लेता, मगर फिर भी तकलीफ़ बहुत देता है। आपका बिजनेस चलते चलते एकदम डाउन हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, रिटर्न कम हो जाएगी, जैसे कर्जा हो जाएगा, लोग पेमेंट नहीं देंगे, उसको भी मार्केस बोलते हैं। जब आप कुंडली भेजोगे तो उसका मैं बताऊंगा आपको। कुंडली भेजनी जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केस लगा हुआ है या नहीं लगा। बृहस्पति देव जो हैं वो सुख शांति और खुशी के लिए भी होते हैं। मैरिज लाइफ जिनकी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, जो खुशी मनाते हैं, तो उनके बृहस्पति देव ठीक हैं। तो बृहस्पति देव ठीक हैं तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा, और घर गृहस्थ जीवन में आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, और बच्चे भी ठीक जाएंगे, उनकी भी स्टडी सही रहेगी। बृहस्पति देव का मार्केट जो है वो ज़्यादातर हड्डियों को कमज़ोर करता है, एक्सीडेंट भी करवा देता है, मेजर एक्सीडेंट भी होता है, और नॉर्मल एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं बृहस्पति के मार्केस में। जो मार्केस है ये पूरा 11 महीने ये 2-1 साल चलता है, तो उसके अंदर जब आप कुंडली दिखाओगे तभी आपको बताऊंगा कि मार्केस है या नहीं है। अब चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप नहीं करते तो दूसरा कर जाता है, तो उसमें भी स्टार दिखाने चाहिए, कुंडली दिखानी चाहिए, कुंडली नहीं तो हस्तरेखा दिखानी चाहिए। हस्तरेखा के अंदर भी ये पता चलता है कि बृहस्पति के ऊपर क्रॉस है या त्रिकोण है या यव है या कोई भी चीज़ें, कुछ भी निशान ऐसे आते हैं जो अशुभ और शुभ होते हैं, उनको देख के ही पता चलता है। हस्तरेखा में भी बृहस्पति का पूरा अनुमान लग जाता है कि मार्केस लगा है या नहीं लगा है। जब भाग्य रेखा तेज होती है तो बृहस्पति बहुत बढ़िया काम करता है। तो बृहस्पति का माउंट जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो बृहस्पति का जब माउंट अच्छा होता है, उंगली में सीधी उंगली होती है, तो उसको काफ़ी ज़िंदगी में बेनिफिट मिलते हैं। बृहस्पति का मार्केस आपको बहुत हानि पहुँचाता है, कारोबार में ज़्यादा, नौकरी में ज़्यादा तकलीफें होने, नौकरी में मन न लगना, मानसिक परेशानी ज़्यादा होने, उदासी रहनी, घर में जाते ही गृहस्थ जीवन में उथल पुथल होना, माइंड अपसेट हो जाना, ये बृहस्पति की निशानी होती है, इसको भी मार्केस बोलते हैं। बृहस्पति नीच का है तब भी यही निशानी है, बृहस्पति एंटी क्लॉक है तब भी यही निशानी है, बृहस्पति बकरी है तब भी यही निशानी है। तो आप बृहस्पति को समझो, बृहस्पति देव जो है वो पूजा पाठ का भी ग्रह है, आध्यात्मिक में लेके जाता है आपको। आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, सुबह आप सिर्फ 10 मिनट भगवान को दीजिए, शाम को 10 मिनट ले दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक घंटा पूजा कर लें, तो 10 मिनट में ही भगवान खुश हो जाते हैं। उनको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मन की श्रद्धा चाहिए,
श्रद्धा है मन में तो भगवान खुश हो जाते हैं, भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है तो भोले तो भोले हैं, ये 5-10 मिनट में ही खुश हो जाते हैं, जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। इनको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती, ना हम इनको क्या दे सकते हैं, इनका दिया हुआ सब कुछ है। बृहस्पति देव भी इनकी पूजा करते हैं, तो बृहस्पति देव भी शिव की पूजा करते हैं। शिव की आराधना 33 करोड़ देवते करते हैं। शिव ने ही इस दुनिया को बनाया, ओम ओम के बाद शिव, सदा शिव, सदा शिव जो हैं सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, महादेव माने जाते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया और दुनिया को चलाया। उसके बाद ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी को दुनिया लोग बनाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का पाठ था। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो उत्पत्ति करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप सावन के महीने में पूजा करें, बृहस्पति देव की भी पूजा करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बृहस्पति जी को मानना जरूरी है। आगे आगे नवग्रह आपके चलेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, हमारा शो 2-4-10 साल भी चल सकता है। तो ये ग्रहों का जाल है, इसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता रहा जाऊँगा। अब मैं आपको ब्रेक के बाद मिलता हूँ। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे, प्रातरमित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातरभगं। आधुनिक काल खंड में पौराणिक ख्याति बतलाता सोममुत रुद्र आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान भगमुद्रगुं हुमेमा। आर्यवर्त में आपका स्वागत है। मैं मार्केस के लिए बता रहा था, मार्केस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मार्केस जो होता है मृत्यु की तरफ लेके जाता है इंसान को। हमारे ज़िंदगी के 5-4 पार्ट होते हैं, बचपना 12 साल और 22 साल, और उसके बाद 22 से 40 के अंदर जवानी होती है, उसके बाद बुढ़ापा होता है। जब जवानी के अंदर मार्केस लगता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम में रहता है। तो उसको ऐसे लगता है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, या मैं कहीं अपने बच्चों को छोड़ के चला ना जाऊं, तो इसको भी मार्केस बोलते हैं। तो मार्केस दिखाने के लिए आपको कुंडली भेजनी पड़ेगी। प्यारे दर्शकों, आप कुंडली जरूर भेजें, तभी आपको पता चलेगा। कि कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा भेजें, हस्तरेखा में भी सारा पता चल जाता है कि आपको कौन सी तकलीफ है। अब मेरे को कुंडली भेजो कि आप मत बताना कि हमें ये तकलीफ़ है। आजकल ब्राह्मण क्या करते हैं, पहले पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, आपको क्या तकलीफ़ है। तो मैं सवाल नहीं पूछता, मैं बताता हूँ। बताने का मतलब है कि नॉलेज, इंसान को नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी तो तभी कुंडली को पढ़ के उसका फलादेश बताएगा। मार्केस एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, इसको इससे बचना चाहिए। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह ही मार्केस लगाते हैं। सबसे बड़ा मार्केस होता है शनि का, राहु का, केतु का, ये जानलेवा होता है। और बुध भी 99% मार्केस लगने के बाद जान ले लेता है इंसान की। अब हॉस्पिटलों में लोग भरे पड़े हैं तो उनकी कुंडली मैं देख लेता हूँ। कई लोग आते हैं मेरे पास कुंडली लेकर। तो अभी 2 महीने पहले किसी लेडीज की कुंडली आई थी, उसको बता दिया गया था कि मार्केस लगा हुआ, तो 90% खतरा है। तो पूजा पाठ उन्होंने कराया नहीं है, तो थोड़ा सा इलाज कराया, मगर वो बच नहीं पाई। क्योंकि बचना क्योंकि महामृत्युंजय का जाप या रुद्राभिषेक या रुद्रा का जाप या नारायण बली का जाप, बहुत बड़े बड़े जाप हैं जो शिव के भी और विष्णु जी के भी हैं, जो मार्केस को दूर करते हैं। मार्केस ऐसे नहीं दूर होता, पूजा पाठ से, आपके मन की श्रद्धा से होता है। और जब आप मन लगा कर किसी को अपनी कुंडली दिखाओगे तो वो पूजा पाठ करेंगे तो मार्केस दूर हो जाता है, तो हमें खुशियाँ मिल जाती हैं। इसलिए मार्केस को दिखाने के लिए आप इसको हल्का मत लिए, तो कुंडली भेजें, हस्तरेखा भेजें, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मार्केस आपको कितना भयानक है और कौन सा मार्केस है। अब ये आज बृहस्पति का चैप्टर है, मगर ये नहीं पता होता कि मार्केस कौन सा ग्रह लगा रहा है। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 घरों के अंदर ही जो है ये ग्रह मार्केस लगाते हैं। दूसरा घर, 5वां घर, 4था घर, 7वां घर, 8वां घर, इनमें भी तकलीफें होती हैं।
जब पांचवें घर में कोई अशुभ चीज़ है तो आपके बच्चों के ऊपर भी तकलीफ हो जाती है। बृहस्पति आपके बच्चों को भी तकलीफ दे सकता है, उनकी स्टडी को रोक देता है, उनको मानसिक परेशानी दे। आजकल 20-22-24 साल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो उनके ग्रह भी चेक कराने चाहिए। हो सकता है स्टार ग्रह चेक कराने से वो बच्चे ठीक हो जाएं। मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो आजकल डिप्रेशन में हैं। शादी के बाद इंसान होती है शादी तो बृहस्पति उसका बकरी होता है, एंटी क्लॉक होता है, तो उसकी शादी हो जाती है या शादी के बाद उसको बहुत तकलीफें हो जाती हैं। या तो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है या लड़का चला जाता है। उनको भी अपनी कुंडलियाँ मिलानी चाहिए, ग्रह मिलाने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर भी आपका मन करे तो ग्रहों को मिलाओ, कुंडली मिलान करो, तब मैरिज करो। क्योंकि कोई एंटी क्लॉक है जो आपके उसके अंदर कोई दोष है तो उसका निवारण करो। आजकल नव लव मैरिज बहुत हो रही है, लव मैरिज के कारण पहले बहुत बड़ा जोश होता है लव मैरिज वालों को, मगर बाद में कुंडली जब नहीं मिलती है तो फेरे होने के बाद भगवान का नाम लेने के बाद उनके ग्रहों में विस्फोट होने लग जाता है। ज़्यादातर विस्फोट होता है बृहस्पति का, शुक्र का। तो पहले तो जोश होता है मगर बाद में जब विस्फोट होने जाता है, शुक्र और बृहस्पति आपस में टकराते हैं तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको भी मार्केस बोलते हैं। मार्केस बहुत भयानक चीज़ है, इससे डरिए और कुंडली भेजिए, हस्तरेखा भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केस का क्या निवारण है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अब दोबारा मैं हाजिर होता हूँ आपके सामने। किसी बच्चे के जन्म के समय माता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर गाय का ही दूध पिलाया जाता है, उसे माता मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं? इस महापुण्यदायक कर्म में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटता है। आइए मिलकर गौ सेवा में अपना हाथ बटाएं, गौ माता की सेवा से अपना जन्म सफल बनाएं। आर्यव्रत, भारत का स्वाभिमान। आर्यव्रत में आपका स्वागत है प्यारे मित्रों। मैं आपको बृहस्पति के लिए बता रहा था, बृहस्पति ग्रह को दिखाने के लिए आप कुंडली जरूर भेजें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुंडली भेजोगे तो जो आपकी तकलीफ पे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम में हैं, उनको आर्यव्रत दूर करेगा। आर्यव्रत के नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। बृहस्पति देव जी आपके ठीक नहीं हैं तो उनको ठीक करने के लिए इलाज करिए, स्टोन वगैरह पहनिए, पूजा पाठ कराइए। बृहस्पति देव के मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, तो इनको आप खुद भी कर सकते हो। जब तक आप कुंडली नहीं भेजोगे तो तब तक मैं आपको क्या बताऊंगा। इसीलिए बृहस्पति का आज ये चैप्टर बंद कर रहा हूं। अभी तो बृहस्पति के फलादेश हैं, नवग्रह के फलादेश बाद में बताता जाऊंगा। सूर्य से लेके केतु तक फलादेश हैं, फलादेश भी बहुत लंबे चौड़े होते हैं, तो बृहस्पति के फलादेश मैं बाद में बताऊंगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ नागपंचमी के लिए। अब आगे नागपंचमी जो है तो मंगलवार की नागपंचमी है, तो नाग देवताओं की पूजा होती है। सबसे बड़े हैं तक्षक नाग। तक्षक नाग जो हैं तो नागों के देव हैं, देवों के देव, जो शिव के भी भक्त हैं, शिव की भी पूजा करते हैं। सावन के महीने में ही नागपंचमी आती है। जैसे शिव की पूजा होती है वैसे नाग देवताओं की भी पूजा होती है। नाग देवता धन का योग बनाते हैं और धन के ऊपर ये रहते हैं, और खजाने जितने बड़े बड़े खजाने हैं तो उनकी रक्षा नाग देवता ही करते हैं। जो कल नागपंचमी है अपने मंगलवार की, उस दिन आप दूध चढ़ाइए शिव के ऊपर, दूध ज़्यादा नहीं 2-4 बूंदें, और बाकी जल चढ़ाइए नाग के सिर के ऊपर चढ़ाएं और नाग देवता को छुएं, हाथ लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे रुके हुए जो काम हैं हे नाग देवता वो करें। नाग देवता की जो पूजा है और बहुत अच्छी होती है, उसको करेंगे तो मन की शांति मिलेगी। तो नाग देवता धरती के अंदर होते हैं तो ये साल में सिर्फ सावन के महीने में ही निकलते हैं, क्योंकि सावन के महीने में शिव का दिन होता है, शिव का महीना होता है। तो सावन का महीना शिव का महीना होने के कारण ये भी शिव की पूजा करने आते हैं। ये पूजा नाग देवता शिव आराध्य है, नाग देवता के, नाग देवता पूरी तरह की पूजा करते हैं। और शिव के गले में जो तक्षक नाग है, सबसे बड़ा नाग है,
वो शिव के कहने पे, यमराज के कहने पे ही चलता है। तो तक्षक नाग जो है उसकी दृष्टि पड़ते ही इंसान को जहर पर चढ़ जाती है, उसकी जहर इतनी भयानक है कि उससे बचना मुश्किल है। इसलिए नागपंचमी को माने, अपने पूरे परिवार को बैठ के तिलक करें, नाग देवता की पूजा करें, आटे के नाग देवता बना लें और नाग नागिनी दोनों बनाने चाहिए आटे के, तो शिव की पूजा करें, बीच में शिव परिवार का भी स्नान कराएं, नाग देवता का भी कराएं, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। मंगलवार की नाग पंचमी है, जे घर में नहीं कर सकते तो मंदिर शिवालय में जाएं, शिव के शिवालय में, वहाँ नाग की प्रतिमा मिलेगी या गले में नाग देवता मिलेंगे शिव के, उनकी प्रार्थना करें, पूरा परिवार जाके कल सवेरे सवेरे जाएं, नौकरी वाले नौकरी से पहले ही चले जाएं, और बिजनेस वालों को टाइम होता है तो बिजनेस से पहले कर लें। जे नहीं आपको टाइम लगता, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नाग देवता का भी एक जाप है, और नाग देवता की पूजा करने से आपको धन योग बनेगा, शांति योग बनेगा, मानसिक परेशानी दूर होगी, घर में आपके वृद्धि रहेगी, गृहस्थ जीवन आपका ठीक रहेगा। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि नाग पंचमी को नाग की पूजा करनी जरूरी है, सुख शांति के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, बच्चों के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, सब चीज़ों को नाग देवता दूर करते हैं। तो नाग देवता का वास बहुत बड़ा वास है धरती के अंदर, तो विष्णु जी के भी जो नाग देवता हैं, जो उनके ऊपर धरती टिकी हुई है, तो विष्णु के ऊपर छाया की हुई है। तो नाग देवता लक्ष्मण के रूप में भी आए थे, राम के रूप में विष्णु जी आए थे और लक्ष्मण के रूप में नाग देवता आए थे। तो इन्होंने राक्षसों का वध किया और रामायण का भी उच्चारण शिव भगवान के हाथ से ही, ये मंत्र से निकला हुआ, शिव भगवान ने वाल्मीकि को वरदान दिया तो उन्होंने रामायण का ग्रंथ लिखा। इसीलिए नाग देवता का बहुत महत्व है, नाग देवता को पूजिए और खुशियां मनाइए। जय सदाशिव। सनातन रीत रिवाजों का क्या है अर्थ, देखिए और समझिए आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। अब वास्तु के टिप, घर में रहकर आप वास्तु को कैसा निवारण कर सकते हैं, वास्तु का आपका कोई भी फेसिंग है, दक्षिण फेसिंग है, पश्चिम फेसिंग है और पूर्व फेसिंग है, उत्तर फेसिंग है, तो अपने गेट को कभी भी काला मत कीजिए, काला गेट होगा, और किचन में काला पत्थर मत लगाइए, तो काला पत्थर लगाने से राहु का वास हो जाता है। बाथरूम जितने भी हैं उनको बंद रखिए, उन पर डोर क्लोजर लगा के रखिए, तो नहीं बंद करने की नेचर होते, नहीं आदत होती तो डोर क्लोजर अपने बंद कर देता है, तो काला पत्थर जो होता है राहु और केतु का वास हो जाता है। तो किचन में जो गृहिणी होती है तो खाना तो बनाती है पर खाने की इच्छा नहीं रहती लोगों की, मन खुश नहीं होता, तो चने की दाल बृहस्पतिवार को खानी चाहिए, काले चने शनिवार को बांटें भी, दान भी करें और खा भी सकते हैं, सावत मूंग की दाल, हरी दाल बुधवार को खाइए, लाल दाल वो संडे को बना सकते हैं, लाल दाल मंगलवार को भी बना सकते हैं, सफ़ेद दाल उड़द की सफ़ेद दाल भी आती है वो आप फ्राइडे को बनाएं और सोमवार को बनाएं, चावल खाएं तो स्वाद जो खाना पीना है शुद्ध रखें। सावन के महीने में नॉन वेज नहीं लेना चाहिए, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि अपने साल में बहुत से ऐसे दिन होते हैं जिसमें से सिर्फ दो महीने ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ के होते हैं, उनको मानिए, नवरात्रों को मानिए। अभी सावन का भी चाला चल रहा है, जो लोग वैष्णो देवी को मानते हैं, ज्वाला जी को मानते हैं, नैना देवी को मानते हैं, मनसा देवी को मानते हैं, तो उनके भी नवरात्रे हैं,
वो नवरात्रे सावन में ही पड़ते हैं। अभी चाला चला हुआ नवरात्रों का, उसमें भी पूजा पाठ चल रहा है, तो डबल पूजा पाठ हो गया ना, सावन का शिव का हो गया, उधर से देवी माता का हो गया। देवी माता पार्वती का रूप है, तो पार्वती की भी इस सावन में पूजा होती है देवी के रूप में। जितनी देवी हैं वो पार्वती के अंश से हुई हैं और शिव के अंश से बहुत से रुद्र रूप हुए हैं, इनके रुद्र रूप काफ़ी हुए हैं, तो इसीलिए शिव जो है सबसे ताकतवर हैं। और खाने पीने का ध्यान रखिए, शुद्ध रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, पालक का सेवन कीजिए, मीठे में आप पेठा ले सकते हैं तो पेठा भी हरा होता है बुधवार को। और बस ग्रहों के हिसाब से आप उन्हीं ग्रहों के हिसाब से ही आप खाना खा सकते हो, बेसन की रोटी खा सकते हो, बेसन के चीले खा सकते हो बृहस्पतिवार को, तो बेसन खाना शरीर के लिए ठीक होता है, ताकत भी मिलती है। और बाकी क्या होता है कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको चेक कराइए, तो डॉक्टरों से भी चेक कराइए, तो सैर करिए, शरीर के लिए सैर करने, वॉक करने, योग करना ये भी जरूरी है। 10 मिनट ही आप सैर करोगे, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, तब भी आपका शरीर ठीक रहेगा। और कुंडली भेजिए, हस्तरेखा भेजिए, बाकी निवारण हमारा आर्यव्रत करेगा, तो उसमें जब कुंडली और हस्तरेखा कोई भी अपनी निशानी, फेस रिंग भी करके मैं बता दूंगा, माथे की रेखा भी बता दूंगा, जब आप ये चीज़ें भेजोगे तो आपको उसको जवाब मिलेगा और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा और आप खुश रहोगे। आप खुशियाँ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय सदाशिव। आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान, हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौ दान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।